नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आई हूँ गंगा जी के कछारे, गंगा के किनारे उसे बोलते हैं, तो वहीं मैं आई हूँ सब्जी लेने दोस्तों। तो चलिए आप लोग गंगा माँ के दर्शन भी कर लीजिएगा और मैं सब्जी वहाँ से ले लेती हूँ। तो आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। तो गंगा के किनारे दोस्तों उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ऊपर से उतर आई हूँ नीचे। अब तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाली लगी हुई है, जाली के अंदर देखिए परोरा बोआ गया है, परवर देखिए बहुत दूर दूर तक अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों उस तरफ से हम अंदर घुसते हैं, और इस तरफ से तो जाली लगी हुई है। तो दोस्तों ये देखिए परवर को हम तोड़ लेते हैं, और गंगा माँ का हमने दर्शन कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से परवर फरा हुआ है। तो खेत दोस्तों बहुत ही बड़ा है, मैं घूम घूम कर देख लेती हूँ, और बहुत ही अच्छे से फरा भी है। तो एक एक डाली में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये देखिए फरा हुआ है। तो बहुत दूर 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 दोस्तों ये देखिए लगाया गया है, पर छछड़ कर बहुत ही अच्छे से फैला हुआ है। तो परवर को हम तोड़ लेते हैं, आप लोग गंगा माँ का दर्शन कर लीजिए। इस समय दोस्तों परवर बहुत ही अच्छे से फरता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये फरा हुआ है। तो परवर का दोस्तों फूल देखिए बहुत ही बढ़िया रहता है, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद कलर होता है, और उसके बाद देखिए ये परवर फर रहा है यहाँ पे ढेर सारा है। तो इस तरफ आप लोग देख सकते हैं ढेर सारा परवर फरा हुआ है। तो ढेर सारा परवर फरा हुआ है, तो जो मुझे मतलब देखिए जो साइज हो गया है तोड़ने लायक, वही मैं तोड़ लेती हूँ। तो परवर को हमने तोड़ लिया है, अब हम चलेंगे घर पे। ये देखिए ढेर सारा हमने लिया हुआ है। तो परवर लेकर आ गए हैं घर पे, तो सबसे पहले देखिए मैंने आलू को भिगोया हुआ है यहाँ पे, मतलब धोने के लिए, जिसे अच्छे से धो लेते हैं। तो आलू को हम उबालेंगे, तो इस भगोले में हम धोकर रख देते हैं। उबलने के लिए थोड़ा सा बाद डाल देते हैं पानी, और चलिए चूल्हे में पहले हम आग को जला लेते हैं। चूल्हे पर हम रख देते हैं ये आलू उबलने के लिए। तो अब हम परवर को अच्छे से धोएंगे, तो इस थाली में जितना मुझे काटना है उसे उतना मैं ले लेती हूँ। तो परवर में के फूल को हम तोड़ देते हैं, ये देखिए ताज़ा है, तो इसमें लगा हुआ है। फूल को हमने तोड़ लिया है, अब हम इसे अच्छे से धोएंगे। धोने के बाद इस थाली में हम रख लेते हैं। तो अब हम परवर के छिलके उतार लेते हैं। तो ऐसे ही परवर के छिलके उतार लेते हैं, तो आप लोग चाहें तो परवर के छिलके ना उतारे, वैसे ही बनाए। तो ताजे परवर का दोस्तों छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है, और इसकी सब्जी भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी रहता है। तो परवर के छिलके हमने उतार लिए हैं, अब हम लहसुन के भी छिलके उतार लेते हैं। तो लहसुन के छिलके हमने उतार लिए हैं, अब हम प्याज के भी छिलके उतार लेते हैं। तो आलू को हम चेक कर लेते हैं। आलू हमारा दोस्तों ये देखिए फट चुका है, बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसे उतार देते हैं भगोने को, इसे ठंडा होने देते हैं। तो थाली में हम पलट देते हैं ठंडा होने के लिए। तो सिलबट्टे पर हमने सारे मसाले को रख लिया है, प्याज लहसुन मिर्चा अदरक और ये गरम मसाला। तो
तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो मसाले को हमने पीस लिया है, थाली में उठा लेते हैं। तो इस तरफ हमने चावल भी पकने के लिए रख दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये पक चुका है, इसे हम उतार देते हैं। तो कढ़ाई को हम रख देते हैं चूल्हे पे, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो थोड़ा सा तेल हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें परवर को तलना है और आलू को। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है, इस तरफ हम परवर को काट लेते हैं। तो ऐसे ही परवर को हम काट लेते हैं। परवर दोस्तों बहुत ही नरम है, इसमें बीज नहीं पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छे से हमारा सब्जी बनकर तैयार होगा। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम परवर डालकर तल लेते हैं। तो आलू हमारा ठंडा हो गया है, तो इसके भी छिलके हम उतार कर रख लेते हैं। तो परवर को हमने तल लिया, इसे निकाल देते हैं। तो ऐसे ही परवर को हम तल लेते हैं। तो परवर का हम धीमी आंच में इसे तल रहे हैं, जैसे अच्छे से हमारा ये पक भी जाए और कलर भी इसका अच्छे से चेंज हो जाए। तो उस तरफ हमारा परवर पक रहा है, इस तरफ हम आलू को काट लेते हैं। तो आप लोग चाहे दोस्तों इसको अच्छे से तोड़ भी सकते हैं हाथ से, पर मैं इसे काट रही हूँ, जब तल लूँगी उसके बाद इसके हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। तो परवर को हमने तल लिया है, देखिए कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छे से पक भी गया है। तो इसे मैं थाली में निकाल लेती हूँ। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आलू, आलू को भी तल लेते हैं। तो आलू को हमने तल लिया है, देखिए कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो उबाल कर आलू दोस्तों तल कर बनाते हैं, थोड़ा सा तोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी भी बन जाती है और बहुत बढ़िया सब्जी भी होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे तल रही हूँ। तो तड़के के लिए हम प्याज को काट लेते हैं। तो परोरा और आलू को दोनों हमने तल लिया है। तो तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो प्याज को ऐसे पकने देते हैं। चलिए मैं टमाटर को काट लेती हूँ। तो टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में हम काट लेते हैं। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो उसे पीसे हुए मसाले को डाल देते हैं, इसे अच्छे से भूनते हैं। तो अब हम सूखे मसाले को भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च है, तीखा नहीं, इसे भी डाल देते हैं। सभी मसाले को डालकर अच्छे से भूनते हैं। तो मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया, इसमें तेल निकलना स्टार्ट हो गया। तो इसमें हम डाल देते हैं अब टमाटर। टमाटर को इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, जिससे टमाटर हमारा गल जाए। तो नमक डाल देते हैं। तो टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है और इसमें हम डाल देते हैं तले हुए आलू और परवर को, इसे भी अच्छे से मसाले में भून देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं पानी, जैसे मसाला और अच्छे से परवर में मिल जाए। तो सब्जी में बहुत ही अच्छा दोस्तों कलर आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब्जी भी दोस्तों खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मसाले दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमने भून लिया है। अब थोड़ा सा हमें आलू जो है ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा सा तोड़ देंगे, जैसे ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो आप लोग चाहें इसे ना तोड़ें। तो आधे आलू को हमने तोड़ दिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद इसे हम चला देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा आलू हमने तोड़ा हुआ है, बहुत ही गाढ़ी अभी से दिखाई पड़ रहा है, वही से पकेगा। तो सब्जी हमारा उबलने लगा है, तो थोड़ा सा नमक हमने पहले से डाला हुआ था, उसी हिसाब से मैं स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूँ। तो अब इसे हम अच्छे से नमक को मिला देते हैं। तो सब्जी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमारा बनकर तैयार हो गया है और ग्रेवी भी दोस्तों बहुत ही गाढ़ी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तो चलिए मैं कढ़ाई को अब उतार देती हूँ। तो आप लोग पास से देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमारा सब्जी बना है परवर का। तो आप लोग एक बार ऐसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे रोटी पराठा और चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरफ हम चावल को ले लेते हैं। तो सब्जी को इस थाली में हम परोस लेते हैं।
तो देखिए खाना हमने परोस लिया है। तो आज का खाना हमारा बनकर तैयार है। हमने बनाया हुआ है परवल की सब्जी दोस्तों, उसमें आलू उबालकर डाला हुआ है, बहुत ही अच्छा है इसकी ग्रेवी, और उसके साथ बनाया है चावल। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।